लाइफ अ गांधी मेरे आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मेरी चैनल का नाम है ब्यूटी बाय बेनाइफा। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं मेकअप के, ट्रैवल के और वो सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे खूबसूरत लगती है, उसके वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप ब्राइट पिंक आई मेकअप कैसे कर सकते हैं। ये मेकअप आप किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन, किसी भी फेस्टिवल के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेकअप है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आसानी से आपको ये सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी ऑनलाइन स्टोर्स में। और ये मेकअप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी आने वाली क्लिप्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर बताइएगा। आपको किस किस्म का मेकअप ट्यूटोरियल आगे देखना है मेरे चैनल पे, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ उनके सारे लिंक्स, जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए और उन लिंक्स से आप इन प्रोडक्ट्स को आसानी से और डिस्काउंटेड रेट्स पर खरीद पाएंगे। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया है और उसको मॉइस्चराइज़ कर लिया है और अब इस पर प्राइमर लगा दिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये फाउंडेशन जिसे मैं डॉट डॉट करके अपनी स्किन पर लगाऊंगी और फिर एक गीले स्पंज से उसे ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, अच्छे से सीमलेस ब्लेंडिंग होगी तो आपका बेस बहुत ज़्यादा नेचुरल और अच्छा लगेगा। फाउंडेशन ब्लेंड कर देने के बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से 2 शेड तक लाइटर है। इससे ना सिर्फ मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे लेकिन मेरा अंडर आई एरिया जो है थोड़ा ब्राइटन अप भी हो जाएगा। इसी कंसीलर को मैं अपने चेहरे के हाई पॉइंट्स पे जैसे ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन और फोरहेड के बीच में भी लगा दूंगी। मैं इस कंसीलर को उसी वेट स्पंज जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था उससे ब्लेंड करूंगी। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, पहला तो कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और दूसरा जो लाइटनेस है कंसीलर की वो थोड़ी सी मेरे फाउंडेशन जो भी स्पंज पे बचा है उसके साथ मिक्स होकर मेरी स्किन कलर जैसा हो जाएगा। अब इन क्रीम प्रोडक्ट्स को मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर दूंगी। मैं आज के मेकअप लुक के लिए कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्रॉन्जर जिससे मेरे चीक बोन्स थोड़े कार्व्ड लगेंगे। अब लगाएंगे ब्लश। मैं आई मेकअप थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर करने वाली हूँ तो मैं ब्लश को थोड़ा सा सटल ही रखूँगी और वैसे भी मुझे इस लुक को ज़्यादा ड्यूई बनाना है तो हम हाइलाइटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैक का हाइलाइटर जो काफ़ी पिगमेंटेड है, आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी शाइन देता है चेहरे को। इसी को मैं चेहरे के सारे हाई पॉइंट्स पर भी लगा दूंगी। अब आईब्रोज को शेप कर लेंगे, उसके बाद उन्हें फिल कर लेंगे और उसके बाद आई मेकअप शुरू करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी ये ब्राइट पिंक कलर हुडा ब्यूटी के इस पैलेट में से और इसे लगाऊँगी मैं अपने आउटर कॉर्नर में और क्रीज लाइन में। उसके बाद इसी पैलेट में से मैं थोड़ा सा डार्कर कलर लूँगी और इसे अपने आउटर कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखे। अब लेंगे हुडा ब्यूटी के जेमस्टोन ऑब्सेशंस पैलेट में से ये फॉइल्ड शिमरी पिंक कलर और इसे मैं उंगली से अपनी आईलिड पर लगाऊंगी इनर 2/3 में। उंगली से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये एक फॉइल्ड आई शेडो है और ये उंगली से बेटर कलर पे ऑफ देता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छा आता है, ब्रश से इतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं आता है। इसी शिमरी आई शेडो को मैं लोअर लैश लाइन के इनर कॉर्नर में भी लगा दूंगी। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसके आउटर एजेस को ब्लेंड कर दूंगी और वही पिंक और रेड शेड जो मैंने पहले ऊपर आउटर कॉर्नर में लगाया था उसे लोअर लैश लाइन में लगा दूंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल और आईलाइनर, आईलैशेस कर्ल करके उन पर मस्कारा लगा दूंगी। तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब लगाएंगे अच्छी सी ब्राइट पिंक लिपस्टिक जिससे हमारा ये पिंक मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा।